दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप माई जियो ऐप में कोलर ट्यून को डीएक्टिवेट किस तरीके से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने माई जियो ऐप में कोलर ट्यून लगाया है और आप उसको हटाना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो डीएक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो माई जियो ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इसका पेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कोलर ट्यून डीएक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नीचे की तरफ ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा जियो ट्यून, तो दोस्तों आपको इसमें क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई भी कोलर ट्यून लगाया है तो आपको जियो ट्यून में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो मैंने जियो ट्यून लगा रखी है वो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पर ये जो कोलर ट्यून ये एक्टिव है, तो यहाँ पर इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप डीएक्टिवेट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप सा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ये इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो कोलर ट्यून है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम डीएक्टिवेट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम यस में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो कोलर ट्यून है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर से ये डीएक्टिवेट हो चुकी है। और दोस्तों जैसे ही आप कोलर ट्यून को डीएक्टिवेट कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप कोई भी कोलर ट्यून आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी आपको कोलर ट्यून देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप माई जियो ऐप में कोलर ट्यून को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और आप कोई भी अपनी मनपसंद कोलर ट्यून लगा सकते हैं और यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।